बच्चों को प्रदूषण से बचाएंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में बच्चों पर नहीं आएगी आंच। खट्टर अंकल और कैप्टन अंकल से करवाएंगे अपील। 50 लाख मास्क बांटेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक कार्यक्रम में छात्रों को मास्क बांटे। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि आप भी बच्चों को मास्क पहनाएं। आज हम सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने पिछले 5 साल में दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी कम किया है। आप याद करने की कोशिश करो, आज देखो आसमान में सारे धुआं ही धुआं हो रहा है ना। अभी 20 दिन पहले तक आसमान पूरा साफ था, दिल्ली में रात को तारे दिखाई देते थे 20 दिन पहले तक। मार्च के महीने से अक्टूबर 10 अक्टूबर तक हमारा आसमान बिल्कुल साफ था। हमने पोल्यूशन बहुत कम कर लिया था दिल्ली के लोगों ने मिलके। एक्चुअली इस बार हमने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सोचा कि सबको मास्क बांटते हैं, इसलिए हम केवल 50 लाख मास्क का ही प्रोक्योरमेंट कर पाए। 50 हमारे दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की आबादी है, हम अभी केवल 50 लाख मास्क ही बांट पाएंगे। तो सबको हम मास्क इस बार नहीं दे पाएंगे सारी जनता को। तो आपके घर में 2 मास्क भेज रहे हैं, आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मास्क की किसको है। और ज़रूरी नहीं सारा टाइम पहन के घूमना है, अगर किसी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए धुआं, या किसी को ज़्यादा खांसी आ रही हो, या किसी की तबीयत ख़राब हो, तब मास्क पहन लो ताकि आपको ज़्यादा वो ना हो। तो अपने स्कूल में अभी इसको मास्क के पैकेट को मत खोलना, अपने घर लेके जाना, अपने पेरेंट्स को दे देना, और पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि मास्क किसको पहनना है।